नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर आने अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बर्गी के जल स्तर को नियंत्रित करने आज रविवार की दोपहर 3 बजे बर्गी बांध के 21 में से 13 सीपल वे गेट को औसतन 1.60 मीटर की ऊंचाई तक खोल दिया गया है। इन जलदौरों के माध्यम से करीब 1,06,000 क्यूसेक घन फुट प्रति सेकंड पानी की निकासी की जा रही है। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बर्गी बांध के कार्यपालन नेत्री अजय सूरी के अनुसार बांध के जलदौरों को खोलते समय इसका जल स्तर 421.40 मीटर दर्ज किया गया था। इस समय बांध के प्रति सेकंड लगभग 1,60,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। उन्होंने बताया मैं पानी की आवक को देखते हुए जलदौरों से पानी निकासी की मात्रा कभी भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। कार्यपालन यंत्री ने बांध के जलदौरों से पानी की निकासी से निचले क्षेत्र में नर्मदा नदी के घाटों पर जलस्तर 25 फुट तक बढ़ सकता है। उन्होंने नर्मदा नदी के तटीय इलाकों में रहवासियों से घाटों और डूब में आने वाले क्षेत्रों में प्रवेश न करने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आग्रह किया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी बताइए, आज 15 अगस्त है और इस तरीके से बर्गी डैम के भी गेट खोले गए हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो सभी देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी हमने सुना कि 13 गेट खुलने वाले थे, तो अभी देखने के लिए आए हैं तो अभी तो 5-6 गेट खुले हैं। और जो सबसे बड़ा आकर्षण है कि उसमें सुना है कि लाइटें भी लगी हैं तिरंगे वाली, तो हो सकता है रात तक रुके उस लाइटों को देखने के लिए। तब तक 13 गेट और खुल जाएंगे, तो फिर देखते हैं। यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो वेदर भी बहुत ही अच्छा है और उसके बाद ऊपर से गेट जो खुल गया है और भी गेट खुलने वाले हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं। आज 15 अगस्त है और यहाँ 15 अगस्त है, काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। प्रियंका यादव। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।